हेलो दोस्तों, मैं हूँ गरिमा, साइकोलॉजिस्ट, और हमारे चैनल द बॉडी निर्वाणा में आप सभी का स्वागत है. एज यू नो, वी आर नाउ अ कम्युनिटी ऑफ मोर देन 11,000 पीपल, और 11,000 लोग जो हम सब मिल करके अपने लिए एक होलिस्टिक हेल्थ का सपना देखते हैं, ताकि हम एक होलिस्टिक तरीके से खूब हेल्दी रह सकें. और इसका एक हिस्सा होता है अपना वज़न को कम करना, लेकिन हेल्दी तरीके से, हेल्दी वेट लॉस. तो आज मैं आपके सामने लाई हूँ हेल्दी वेट लॉस टिप नंबर 7. और ये 7th टिप क्या है, आज मैं इसका क्रेडिट देना चाहूँगी मेरी एक अच्छी फ्रेंड हरसिमरन को. हरसिमरन को मैंने इंटरव्यू किया था मेरी बुक द बॉडी निर्वाणा के लिए, बिकॉज शी इज़ वन पर्सन जिसने कि अपना बहुत सारा एक्स्ट्रा वेट जो था उसको परमानेंटली लूज़ किया. तो वो हमसे उन्होंने शेयर किया कि उन्होंने ये सब किस तरह किया, और इसको बताते वक्त उन्होंने एक टिप दी थी, और वो टिप ये थी कि अक्सर लोगों को, और उनको भी ये आदत थी कि कुछ ना कुछ बार बार खाने की इच्छा होती है, यानी कि मुंह में कुछ ना कुछ लेने की इच्छा होती है. वी फील लाइक चूइंग समथिंग ऑल द टाइम, और इसकी वजह से हमारे बहुत सारे एक्स्ट्रा कैलोरीज हो जाती हैं एक दिन के अंदर, क्योंकि हर थोड़ी देर में इच्छा होती है कि कुछ मुँह में लिया जाए, थोड़ा सा मंच किया जाए, एंड विदाउट रियलाइजिंग इट एड्स ऑन द कैलोरीज. तो इस आदत को तोड़ने के लिए उन्होंने हमको एक बहुत बढ़िया रामबाण दिया था, और वो ये है कि क्यों ना मुंह में हम एक कोई भी चीज़, जैसे कि एक च्यूइंग गम होती हैं जो कि बिना शुगर की च्यूइंग गम्स आती हैं, तो हम ऐसी ज़ीरो कैलोरी किस्म की कोई भी चीज़ अपने मुंह में रख सकते हैं. सो हर ट्रिक वॉज टू कीप अ च्यूइंग गम इन हर माउथ फॉर एटलीस्ट 2 वीक्स, जब तक कि वो अपनी ये आदत को तोड़ ना पाए. तो अगर आपको च्यूइंग गम नहीं पसंद है, लेकिन आपकी भी ये प्रॉब्लम है कि हर थोड़ी देर में कुछ ना कुछ मुंह में खाने के लिए आप ले लेती हैं, तो आप इसको और भी बहुत तरीके से कर सकती हैं, जैसे कि लौंग आप अपने मुंह में रख सकते हैं, या इलायची, या सौंफ, या फ्लैक्स सीड, कोई भी एक ऐसी चीज़ जिसके अंदर की उतनी स्नैक्स की तरह नेगेटिव हार्मफुल चीज़ें नहीं होती हैं. ये नेचुरल चीज़ होती है, इसके अंदर एक्स्ट्रा कैलोरीज नहीं होती हैं, और ये किसी भी तरह का नुकसान नहीं देगी, लेकिन आपके मुंह को बिजी रखेगी, और इससे आपको बार बार कुछ खाने की जो टेंडेंसी है इसे रोकने के अंदर बहुत ही फ़ायदा मिलेगा, बहुत आसानी होगी. सो टिप नंबर 7 इज़ find something which is healthy, which will stay in your mouth for a really long time. For example, एक लौंग जिसे क्लव कहते हैं, या इलायची, या आप सौंफ ले सकते हैं, तो उसको मुँह में रखिए, और उससे आप धीरे धीरे देखेंगे कि 1 से 2 हफ्ते जब आप ये रेगुलरली करेंगी, तो धीरे धीरे आपकी वो आदत ही टूट जाएगी, बार बार मुँह में कुछ डालने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी. And why is that healthy? Because like we have discussed, ज़्यादा वज़न बढ़ने और वज़न ना बढ़ने के बीच में सिर्फ 30 कैलोरी का फ़र्क होता है. जिन लोगों का वज़न बढ़ रहा है, बढ़ता जा रहा है, वो एक दिन में मात्र 30 कैलोरी एक्स्ट्रा लेते हैं दूसरों से, एंड सो बाय डूइंग दिस यू कैन कंट्रोल दैट. वो 30 कैलोरीज आप नहीं खाएंगे, और जब नहीं खाएंगे तो आपकी बॉडी को बिल्कुल भी टेंशन नहीं होगी, उसको डाइजेस्ट करने के लिए एक्स्ट्रा हमने सामान नहीं दिया है, किसी किस्म का टॉर्चर नहीं किया है. सो रिमेंबर that when we are overeating, अगर हम ज़रूरत से ज़्यादा खा रहे हैं आदत की वजह से, मुँह में कुछ चाहिए इसलिए, बोरियत हो जाती है वरना, इन सब किसी भी और कारण की वजह से, जब भी हम थोड़ा सा भी एक्स्ट्रा खाते हैं, याद रखिए हम अपने ही शरीर को टॉर्चर कर रहे होते हैं. तो हमने अब तय किया है जब कि हम हेल्दी रहना चाहते हैं, तो ये टॉर्चर हम अपने शरीर को बिल्कुल नहीं करेंगे. आई होप यू एन्जॉय टुडेज़ टिप, एंड आई एम गोइंग टू सी यू अगेन टुमारो विद द नेक्स्ट टिप. बाय बाय.